गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, हमने मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर में मेल ब्रेस्ट कैंसर एंड गायनेकोमास्टिया, ये दो डिसऑर्डर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। सो आज हमने आगे देखेंगे, सो आगे मेल टेस्टिकुलर डिसऑर्डर, ओके, टेस्टिकुलर डिसऑर्डर मेल्स में, टेस्टिकुलर डिसऑर्डर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं इसका बारे में हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला एपिडिडामेटस, ओके, एपिडिडामेटस मतलब क्या है? ये एपिडिडामेटस से पहला, सो द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स द मुविंदी और द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रूविंग दी एपिडिडामेटस, ओके। We are discussing regarding the epididymitis. Itis means inflammation or infection. Okay, inflammation के बारे में देखेंगे। किसके inflammation के बारे में? Epididymis. Epididymis के inflammation का। Epididymis कहाँ होता है? So see here, this is a testis, testicles. ये testicles है। This is called as testicles. Okay, testicles, testis है। ओके, उसका ऊपर लेयर है स्क्रूटम, स्क्रूटम, ओके, दिस इज अ स्क्रूटम टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर, ओके, एक, ओके, ये क्या करते हैं? स्पर्म को कैरी करते हैं, स्पर्म को स्टोर करते हैं, स्पर्म को स्टोर करके टेस्टिस स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूस करने के बाद वो स्टोर करता है एंड आगे कैरी करता है, ये इसको बोलते हैं हमने एपिडिडामिस, एपिडिडामिस, ओके, एपिडिडामिस बोलते उसको, ओके, एपिडिडामिस, दिस स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एपिडिडामिस, ओके। सो एपिडिडामिस से स्पर्म कहाँ जाता है? टेस्टिकल से प्रोडक्शन होता है, एपिडिडामिस में स्टोर होता है, स्टोर होके आगे व्यास डिफरेंस डक्ट, दिस डक्ट इज कॉल्ड एज व्यास डिफरेंस डक्ट, याद रख लीजिए, व्यास डिफरेंस डक्ट, ओके, व्यास डिफरेंस डक्ट पे जाता है। दो टेस्टिकल्स होते हैं इस साइड से, दोनों को बीच में ये पेनिस आता है, ओके, इस साइड टेस्टिकल्स होता है, ओके, व्यास डिफरेंस डक्ट थ्रू ये व्यास डिफरेंस डक्ट ब्लैडर को राउंड मारता है, सो इस साइड से एक आता है व्यास डिफरेंस, उस साइड से एक आता है, तो राउंड मार के इसमें सेमेनल वेसिकल्स आते हैं, सेमेनल वेसिकल्स का डक्ट भी इसमें ऐड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से इजैक्यूलेटरी डक्ट आता है, सो दोनों मिलके यहां पे यूरेथ्रा में जॉइन होता है, दोनों मिलके कॉमन वे यूरेथ्रा में जॉइन होते हैं, यूरेथ्रा थ्रू यूरिन भी, ब्लैडर से यूरिन भी बाहर आता है और मेल ब्लैडर से यूरिन भी बाहर आता है एज वेल एज स्पर्म भी बाहर आता है, सॉरी, इसमें इजैक्यूलेटरी डक्ट थ्रू स्पर्म भी बाहर आता है, पेनिस थ्रू, पेनिस थ्रू स्पर्म भी बाहर आता है, इस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर है। हमने आज बात करने वाले हैं ये ऑर्गन के बारे में, एपिडिडामिस, ओके। अगर इंफ्लेमेशन और इंफेक्शन ऑफ दी एपिडिडामिस, एपिडिडामिस की इंफ्लेमेशन हो और इंफेक्शन हो गए तो क्या दिक्कत होगा, क्या कौन सा रीजन से एपिडिडामिस का इंफ्लेमेशन और इंफेक्शन होगा, इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं, ओके। सो दिस इज द कूलेस्ट पार्ट इन आवर बॉडी, ये टेस्टिस जो है, टेस्टिस और टेस्टिकल्स, एपिडिडामिस जो है हमारा बॉडी के अंदर बहुत कूल होता है, मेल्स में बहुत कूलेस्ट पार्ट है, कूलेस्ट पार्ट में ही स्पर्म जिंदा रहता है, अगर हीट ट्रांसफर हो गया वो पार्ट पे, वो क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं करेगा, मीन्स स्पर्म कलेक्ट हो जाएगा, हीट में स्पर्म कलेक्ट हो जाएगा, इसलिए वो बहुत कूलेस्ट पार्ट होता है। अगर ये आदमी को इंफ्लेमेशन हो गया, इंफेक्शन हो गया, इंफ्लेमेशन इंफेक्शन हो गया तो क्या होता है, वार्म होता है उधर, मतलब हीट प्रोडक्शन होता है, हीट प्रोडक्शन जहाँ इंफ्लेमेशन और इंफेक्शन होगा वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, ओके, हीट प्रोड्यूस होगा तो स्पर्म प्रोडक्शन में और स्पर्म डेथ होने में स्टार्ट हो जाएगा, इसके वजह से क्या होता है, इंफ्लेमेशन चालू होता है, दैट कंडीशन इज नोन एज एपिडिडामाइटिस, ओके, दैट कंडीशन इज नोन एज epididymitis, okay, epididymitis is a, it is a inflammation and infection of the tube, this is a one of the tube which is attached to the testicles, okay, which is helps to store and carry the sperm body testis, testis se jo sperm production hoga usko store karke aage movement karne mein madad karta hai, so this is the epididymis, okay, the inflammation and infection of the tube which is situated back of the testicles, testicles के back में situated है, which is helps to store and carry the
स्पर्म, क्योंकि स्पर्म को जो स्टोर करते हैं, कैरी करते हैं, टेस्टिकल्स के बैक में जो एक ट्यूब है, वो ट्यूब का इंफ्लेमेशन और इंफेक्शन होगा, वो कंडीशन को हमने एपिडिडाइमाइटिस बोलते हैं, वो कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमाइटिस। क्लियर डेफिनेशन, एपिडिडाइमाइटिस इज एन इंफ्लेमेशन और इंफेक्शन ऑफ द ट्यूब व्हिच इज सिचुएटेड इन द टेस्टिकल्स व्हिच स्टोर्स एंड कैरी द स्पर्म प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमाइटिस, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट, epididymitis. Okay, so inflammation and infection of the epididymis, simple way. Okay, so next humne uska etiological factors ka bare mein dekha to, or the etiological factors causes of epididymitis, causes kya reason hoga, kya causes hoga, epididymitis ho sakta hai. Okay, ye epididymitis apna aap kabhi bhi खुद इंफेक्शन होता नहीं है, ये ऑलवेज सेकेंडरी इंफेक्शन से होता है. ओके, एपिडिडिमस ऑलवेज अकर्स एज ए सेकेंडरी इंफेक्शन, ऑलवेज अकर्स एज ए सेकेंडरी इंफेक्शन. ओके, सेकेंडरी इंफेक्शन प्रोसेस. ओके, सेकेंडरी इंफेक्शन प्रोसेस मतलब दूसरा कोई ऑर्गन को इंफेक्शन हो गया, वो ऑर्गन को स्प्रेड होता है, इसके वजह से एपिडिडिमस एपिडिडिमस इंफेक्शन होता है, इंफ्लेमेशन होता है. ओके, एपिडिडिमस यूजुअली सेकेंडरी टू एन इंफेक्चुअल प्रोसेस, मतलब इंफेक्चुअल प्रोसेस को जिसले सेकेंडरी ऑर्गन, सेकेंडरी इंफेक्चुअल प्रोसेस को जिसले ये इंफ्लेमेशन होता है, क्या एपिडिडिमस. ओके, दैट इंफ्लेमेशन और इंफेक्शन ऑफ द एपिडिडिमस, दैट इज एपिडिडिमाइटिस. इटिस मींस इंफ्लेमेशन और इंफेक्शन. ओके, नेक्स्ट ट्रूमा ऑफ और ओके यूरिनरी रिफ्लक्स ऑफ द ओके वैस रिफ्लक्स, ट्रूमा हो गए तो ट्रूमा, ट्रूमा ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस को ट्रूमा हो गया, ऊपर से नीचे गिर गया और कुछ लग गया टेस्टिस पे, तभी भी इंफ्लेमेशन होने के चांसेस होता है. ट्रूमा ऑफ द टेस्टिस और ओके रिफ्लक्स ऑफ द यूरिन, रिफ्लक्स ऑफ द यूरिन, रिफ्लक्स ऑफ द यूरिन. ओके, बैकवर्ड, बैकवर्ड रिफ्लक्स ऑफ यूरिन टुवर्ड्स towards व्यास डिफरेंस, व्यास डिफरेंस डक्ट टू दी ओके व्यास डिफरेंस डक्ट टू दी एपिडिडिमस, एपिडिडिमस. ओके, सो यूरिन में समटाइम्स क्या होता है, बच्चे में सबसे ज्यादा होता है, बच्चे में क्या होता है, यूरिन रिफ्लेक्स होता है, यूरिन वापस उल्टा जाता है, ब्लैडर से बाहर आता है, बाहर आके इधर से क्या जाता है, इधर से व्यास डिफरेंस डक्ट थ्रू ऐसा राउंड मार के व्यास डिफरेंस डक्ट थ्रू वापस एपिडिडिमस में एंटर होता है. यूरिन अगर एंटर हो गए तो यूरिन में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, इसको जैसे एपिडिडिमस इंफेक्शन होने के चांसेस होते हैं. रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स ऑफ यूरिन. ओके, रिफ्लेक्स ऑफ यूरिन मतलब बैकवर्ड फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम थ्रू द व्यास डिफरेंस डक्ट थ्रू द ओके एपिडिडिमस. ओके, व्यास डिफरेंस डक्ट थ्रू एपिडिडिमस में यूरिन बैकवर्ड फ्लो होता है. So that is also one of the etiological factors for epididymitis. Okay, trauma होने से भी होता है. Okay, trauma होने से भी होता है. Actually epididymitis secondary reason से होता है. Epididymitis most commonly क्या होता है? Secondary reason से होता है. Okay, और हमने etiological factors देखा तो okay ascending infection. Okay, ascending infection. ये penis है. So penis through ascending infection होता है. Ascending infection. Okay, that is enter through the that is enter through the ejaculatory duct, through the prostate gland, ejaculatory duct, after enter through the ejaculatory duct via this is a vas deferens duct to the vas deferens duct to the epididymis. Okay, ascending infection, infection agar microorganism penetrates through andar upar aisa upar andar se taraf se ja raha hai to ejaculatory duct through vas deferens duct mein jayega, vas deferens duct through कहाँ जाता है, एपिडिडिमस को पहुंच सकता है. ये भी एक रीजन है सो एपिडिडिमस इंफ्लेमेशन होने का. ओके, एपिडिडिमस इस तरीके से भी इंफ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो सकता है. ओके, सो हमने अभी एटोलॉजिकल फैक्टर्स में देखा. सो सबसे पहला क्या होता है, सो यूरिनरी रिफ्लेक्स हो सकता है, सेकेंडरी असेंडिंग इन्फेक्शन हो सकता है. ओके, सो आइदर ट्रोमा ऑफ द टेस्टिकल्स, टेस्टिकल्स को ट्रोमा होने से भी ये इन्फ्लेमेशन हो सकता है. सो अदर रीजंस हमने देखा तो असेंडिंग इंफेक्शन. सर नेक्स्ट इज असेंडिंग इंफेक्शन, असेंडिंग
ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स असेंडिंग ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू वैस डिफरेंस टू वैस डिफरेंस टू वैस डिफरेंस टू ओके एपिडर्मिस एपिडर्मिस कोई भी सर्जरी किया तो और हिस्टेरोस्कोपी करते यूरेट्रोस्कोपी यूरेट्रोस्कोपी करने के लिए कभी कभी यूरेट्रोस्कोपी करते हैं, यूरेट्रोस्कोपी यूरेट्रो यूरेट्रोस्कोपी करने के लिए स्कोपी इंट्रोड्यूस करते हैं, यूरेट्रोस्कोपी करते हैं, ओके। इस टाइम पे क्या होता है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में और सर्जिकल प्रोसीजर में, कोई सर्जरी इधर मेल जेनिटल ऑर्गन में किया हो तो और एनी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इधर कंडक्ट किया है तो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर थ्रू मतलब डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इंट्रोडक्शन करते हैं हम बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, ओके। सो दैट इज अ फिजिशियन इंड्यूस्ड आयटोजेनिक इंड्यूस्ड बोलते हैं हम, ओके। सो दैट टाइम पे भी इंफेक्शन असेंडिंग होकर एपिडर्मिस तक पहुंच सकते हैं। सो ये भी एक एटियोलॉजिकल फैक्टर से एपिडर्मिस होने का चांसेस है, ओके। सो आइदर आयटोजेनिक और फिजिशियन इंड्यूस्ड ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर और एनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर एनी इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर दैट कैरीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू द एपिडर्मिस। फॉर एग्जांपल द मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेस द इन्फ्लेमेशन और दैट असेंड थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट इज दैट इज द ई कोलाई, इस्टेरिया कोलाई, इस्टेरिया कोलाई, इस्टेरिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है कॉमनली डायग्नोस्टिक प्रोसीजर थ्रू अंदर एंटर होता है, एंटर होने से इंफ्लेमेशन और इंफेक्शन करने का चांसेस होता है। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द एटियोलॉजिकल फैक्टर, इस तरीके से वो एटियोलॉजिकल फैक्टर बन सकते हैं, ओके। इसके अलावा भी और भी कम स्ट्रक्चरल या स्ट्रक्चरल माल फॉर्मेशन इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में स्ट्रक्चरल माल फॉर्मेशन होता है। स्ट्रक्चरल माल फॉर्मेशन मतलब ओके सम टाइम्स वैस डिफरेंस डक्ट और नहीं है तो इधर यूरेट्रा और यूरेटर यूरेट्रा स्ट्रक्चरल माल फॉर्मेशन है मतलब ब्लॉक है ये तब क्या होता है यूरिन वापस रिफ्लेक्स होता है बैकवर्ड फ्लो होता है तो यूरिन बैकवर्ड फ्लो से यूरिन एसिडिक इन नेचर होता है। सो एसिडिक इन नेचर यूरिन क्या करते हैं एपिडर्मिस में जाके इरिटेट करते हैं, इरिटेट करने से वो इन्फेक्टेड बन जाता है। सो स्ट्रक्चरल माल फॉर्मेशन स्पेशली इन द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बाय बर्थ सर्टेन टाइम्स स्ट्रक्चरल माल फॉर्मेशन से बर्थ होता है तो तब मालूम नहीं होता, सो दैट इज आल्सो कॉज द एपिडर्मिस स्ट्रक्चरल माल फॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल माल फॉर्मेशन, ओके। स्ट्रक्चरल माल फॉर्मेशन ऑफ मेल जेनिटल ऑर्गन्स, मेल जेनिटल ऑर्गन्स, मेल जेनिटल ऑर्गन्स, स्ट्रक्चरल माल फॉर्मेशन ऑफ मेल जेनिटल ऑर्गन्स सो दैट कॉजेस द एंट्री ऑफ यूरिन इनटू द एपिडर्मिस व्हिच कॉजेस द इरिटेंट्स और इन्फेक्शन ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन करने के चांसेस होते हैं क्योंकि यूरिन इज इन एसिडिक नेचर व्हिच कॉजेस द इरिटेशन ऑफ द एपिडर्मिस, ओके। एपिडर्मिस को इरिटेशन कर सकते हैं, ओके। ये भी एक रीजन हो सकता है। अडल्ट में सबसे ज्यादा होता है अडल्ट में, सो अडल्ट बिटवीन द एजेस ऑफ 25 टू 30 ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर एंटर होने के चांसेस होता है, वो भी एक रीजन है, ओके। सो क्या हो सकता है अडल्ट मेल बिटवीन 20 to 35 years ऑफ एज सेक्सुअली ट्रांसमिशन इज द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ इन्फेक्शन, ओके। सेक्सुअली ट्रांसमिशन डिसीज हो सकता है अगर फीमेल को अगर कोई इन्फेक्शन है तो वही मेल में ट्रांसफर होकर ये होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज कौन सा होता है क्लेमिडिया, ओके। क्लेमिडिया वो निजेरिया गोनोरिया, ओके।
सो इस तरीके से होता है, इसेरे कोलाई क्लैमिडिया ट्रोकोमोनास निजरे गोनोरिया ई कोलाई ये सारा बैक्टीरिया क्या होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने के चांसेस होते हैं। सो ये इंटरकोर्स कब होता है मींस में बिटवीन द 20 टू 35 इयर्स ऑफ एज, 20 टू 35 इयर्स में हाई पीक लेवल ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स एज है, उस टाइम पे मेल में ये इंफेक्शन होने के चांसेस होता है 20 टू 35 इयर्स ऑफ एज में मेल्स में। ओके ये सारे क्या है, ये एटियोलॉजी बन सकते हैं एपिडर्मिस का। ओके एपिडर्मिस का इंफेक्शन होने में एटियोलॉजिकल फैक्टर्स बन सकते हैं। तो अगर इंफेक्शन हो गए तो एपिडर्मिस दैट इज अ एपिडर्माइटिस, उस कंडीशन को हमने क्या बोलते हैं एपिडर्माइटिस। ओके सो व्हाट इट एपिडर्माइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन और इंफेक्शन ऑफ द ट्यूब्स दैट आर सिचुएटेड बिहाइंड द टेस्टिकल्स व्हिच स्टोर्स एंड कैरीज द स्पर्म, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एपिडर्माइटिस। ओके नेक्स्ट इज द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, द वेरियस टाइप्स ऑफ एटियोलॉजिकल फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू कॉज द एपिडर्माइटिस। द मोस्ट कॉमन कॉज इज urinary that is a most commonly occurs due to the secondary processes, secondary infectious processes, secondary infectious process ko jis liye epididymitis hone ke chances zyada hota hai। Okay and next backward flow of urine backward flow se ho sakte hain। Okay and ascending infection, okay entry of microorganisms through ascending, okay into the vas deferens ducts to the epididymis। Certain surgical procedures or certain procedures investigation procedures that causes the iatrogenic inducing of the microorganisms, so that microorganisms transfer to the epididymis। Okay so other than this structural abnormality in the children, so that causes the backward flow of the urine which causes irritation of the epididymis। Okay so that becomes infected। Other than this, between the ages of the 20 to 35 years in the males, that is a high peak age group for sexual intercourse. During sexual intercourse, the microorganisms are transferred or microorganisms are entered into the epididymis. So, chlamydia, neisseria, gonorrhea, E. coli bacteria, these are most common microorganisms enter into the male genital tract, which may cause the epididymitis. Okay, which is obviously epididymitis होने का chances हो सकते हैं। ओके सो हमने कॉजेस देखा, डेफिनेशन देखा, अभी आगे पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ एपिडर्माइटिस। ओके पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है कि किस तरीके से पैथोफिजियोलॉजी एपिडर्माइटिस को इन्फ्लेक्शन इन्फ्लेमेशन करता है और इन्फेक्शन का कॉजेस होता है। ओके सो पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन अगर ये इंफ्लेमेशन हो तो टेस्टिस को भी इंफेक्शन लगता है, टेस्टिस को इंफेक्शन लग गया तो ये स्क्रूटम भी स्वेलिंग होता है, स्क्रूटम भी इंप्लांट होता है। ओके स्क्रूटम इंप्लांट होता है, स्क्रूटम क्या होता है एनलार्जमेंट होता है, एनलार्जमेंट क्यों होता है सो फ्लूइड शिफ्ट होने में चालू होता है, फ्लूइड शिफ्ट होने से सो नर्व ब्लड वेसल्स कंप्रेशन होता है, नर्व ब्लड वेसल्स कंप्रेशन होने से इंफ्लेक्शन इंफ्लेमेशन और इंफेक्शन स्टार्ट होता है, इंफ्लेमेशन और इंफेक्शन चालू हो गए तो हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट होने से एपिडर्मिस फंक्शंस भी वेरिएशन होता है, सो एपिडर्मिस फंक्शंस वेरिएशन होता है स्पर्म डेथ होने चालू होता है। सो इस तरीके से पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन एपिडर्मिस में होता है। ओके सो एपिडर्मिस पैथोलॉजिकल कंडीशन में सबसे पहले ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, एटियोलॉजिकल फैक्टर से क्या होता है ओके ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर कौन सा बोला हमें, असेंडिंग इन्फेक्शन, यूरिनरी बैकवर्ड फ्लो, ओके यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन, ओके ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस ट्रांसपोर्ट, दीज आर एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इसके वजह से लिए ओके इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक में स्क्रोटम का सैक में इन्फ्लेमेशन होता है, ये सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्क्रोटल सैक, इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्क्रोटल सैक, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्क्रोटल सैक, ये स्क्रोटल सैक इन्फ्लेमेशन होने से क्या होता है फ्लूइड एक्युमुलेट्स इन द इंटरस्टिशियल सैक। ओके accumulates in the scrotal sac, the fluid accumulates in the scrotal sac, fluid accumulates in
स्क्रूटल सैक, स्क्रूटल सैक में क्या होता है, फ्लूइड एक्युमुलेट होने चालू होते हैं, फ्लूइड एक्युमुलेट होने चालू होते हैं इंफ्लेमेशन और इन्फेक्शन होगी वजह से चले। ओके सो फ्लूइड एक्युमुलेशन इन स्क्रूटल सैक, फ्लूइड फ्लूइड लास्ट थ्रू द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ स्क्रूटल। जब फ्लूइड फ्लूइड होता है, फ्लूइड एक्युमुलेट होता है, वही फ्लूइड वापस लास्ट में चालू होता है, फ्लूइड लॉस थ्रू, फ्लूइड लॉस थ्रू इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस इन स्क्रूटल सैक, स्क्रूटल सैक, स्क्रूटल सैक में इंटरस्टिशियल स्पेस से फ्लूइड लॉस होने, इंट्रा सेलुलर टू इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड शिफ्ट होने चालू होता है, इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंटरस्टिशियल, इंट्रा वेस्कुलर, इस तरीके से फ्लूइड का स्पेस होता है। ओके ये फ्लूइड का स्पेस में इसके बारे में मैं क्लास में ऑलरेडी पहले डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। सो इसमें क्या होता है, फ्लूइड लॉस होने चालू होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट होने चालू होता है। ओके स्क्रूटल सैक में तो सब क्या होता है, सो लॉस होने से सो उधर डिमिनिश्ड ब्लड फ्लो होता है, डिमिनिश्ड ब्लड फ्लो होता है एंड नर्व डैमेज होता है एंड स्वेलिंग आने चालू होता है, इन्फेक्शन होता है। सो इसमें कहा डिमिनिश्ड ब्लड फ्लो मतलब फोर्स प्रेशर होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड लीक होने से इधर फ्लूइड लक्षण होने से क्या होता है, कॉम्प्रेशन होता है। दैट कॉजेस द कॉम्प्रेशन, दैट कॉजेस द कॉम्प्रेशन होता है। सो कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन से नर्व ब्लॉक होता है, नर्व ब्लॉक सेंसेशन थोड़ा थोड़ा कम होने चालू होता है, नर्व ब्लॉक होता है, कॉम्प्रेशन होने चालू होता है, स्वेलिंग होता है, नर्व डैमेज होता है, स्वेलिंग होता है, स्वेलिंग, नर्व ब्लॉक और नर्व डैमेज, स्वेलिंग, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने चालू होता है। ओके वही इन्फेक्शन क्या करते हैं, दिस इन्फेक्शन इज ट्रांसफर टू द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को ट्रांसफर होगा कि दैट बिकम्स इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इन्फेक्टेड बन जाता है। ओके इन्फेक्टेड एपिडर्मिस का दैट कॉजेस द एपिडर्मिटिस, इन्फेक्टेड एपिडर्मिस का कारण बनता है, एपिडर्मिटिस बनने का चांसेस होते हैं। ओके दिस इज रिगार्डिंग द पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द एपिडर्मिटिस, एपिडर्मिटिस का पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन। ओके अभी नेक्स्ट क्लास में हमने देखेंगे उसका साइन एंड सिम्टम्स एंड उसका डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन क्या करता है एंड मैनेजमेंट में उसका क्या करना है। सो तब तक थैंक यू वेरी मच।